जब स्टूडेंट 10th और 12th पास होते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा करियर बनाने के लिए किस फील्ड का चुनाव करें। कुछ लोग होते हैं जिनकी रुचि कॉमर्स में होती है और कुछ की आर्ट्स में, कुछ की बायो में, तो कुछ की साइंस या फिर मैथमेटिक्स में होती है। जिन लोगों का साइंस और मैथ में इंटरेस्ट होता है वो अक्सर इंजीनियर करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंजीनियर करने में काफ़ी पैसा लगता है। इंजीनियर करने के अलावा आपके पास दो और ऑप्शन होते हैं, एक होता है ITI और दूसरा होता है पॉलिटेक्निक। जल्दी नौकरी पाने के लिए दोनों कोर्स ही बेहतरीन कोर्स में से एक है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होता है ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे ITI क्या होता है, ITI करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ITI कोर्स कितने समय का होता है, पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है और पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लिया जाता है, पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें, ITI और पॉलिटेक्निक में से कौन बेहतर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही फ्यूचर में भी नॉलेजेबल वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है ITI क्या होता है। ITI एक तरह की संस्थान है जो पूरे भारत में हर एक राज्य में है। ये निजी भी होता है तो सार्वजनिक भी होता है। ITI का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी ऐसे संस्थान जो इंडस्ट्री की डिमांड को समझते हुए नए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं ताकि हमारे देश में उद्योग को और बढ़ावा मिल सके। ITI करने के लिए आपको 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास करनी होगी। ITI आप तभी करें जब आपको इसकी रुचि हो, मशीन की, इंजीनियर की आदि की रुचि हो। अगर आप अन्य क्षेत्रों में रुचि रखते हैं तो ITI के फील्ड में ना आए, 10वीं में अंकों के आधार पर आपका ITI में एडमिशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आखिर ITI क्या होता है। अब बात करेंगे ITI करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ITI में 2 या 3 साल के सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं। ये कोर्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड पूरी इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी, इंडियन रेलवे, कोयल फैक्ट्री आदि में। इस कोर्स के दौरान आप इंडस्ट्री की डिमांड से जुड़ी कोई भी चीज़ अच्छे से सीख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, वेंडरिंग, फिल्टर। ITI में ये सभी कोर्स मेन कोर्स होते हैं जिन्हें ट्रेड कहा जाता है। ITI करने के बाद आप चाहे तो किसी कंपनी में ट्रेड से संबंधित वैकेंसी निकलने पर आवेदन करके नौकरी पा सकते हैं। हर कंपनी में हर साल कुशल कामगारों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रेलवे व अन्य विभाग समय समय पर ITI स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकालते हैं जिनमें कि ITI स्टूडेंट्स को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे ITI करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे ITI कोर्स करने में कितना समय लगता है। ITI कोर्स अलग अलग तरह के होते हैं और इनमें हर कोर्स की अवधि भी अलग अलग होती है। अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का समय लग सकता है। ITI कोर्स हर व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद ही होता है क्योंकि इसे करने के बाद आप कहीं ना कहीं नौकरी पा ही जाते हैं। अगर आप खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ITI सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ITI का चुनाव आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन ITI का चुनाव आपको तब करना चाहिए जब आपको पढ़ाई करने के बाद जल्द से जल्द जॉब करना हो। तो ये थी फ्रेंड्स ITI की बात। अब बात करेंगे फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक कोर्स की। तो आखिर पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है। पॉलिटेक्निक भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। जल्दी जॉब पाने के लिए पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आप 10वीं और 12वीं दोनों के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं। ये भी ITI की तरह ही इंजीनियर और तकनीक से जुड़ा हुआ कोर्स है, तो इसमें भी आपको तभी एडमिशन लेना चाहिए जब आपको इस तकनीक में रुझान हो या फिर इंटरेस्ट हो, अन्यथा आप पॉलिटेक्निक कोर्स में ना आए। पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लिया जाता है ये जानते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए देश भर में प्रमुख शहरों में कई पॉलिटेक्निक संस्थान है। कई निजी कॉलेज भी पॉलिटेक्निक कोर्स का ऑफर करवाती है। अगर आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये हर साल हर राज्य में अलग अलग नाम से होता है, जैसे मध्य प्रदेश में PPT जिसे प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस टेस्ट में आए मार्क्स के आधार पर आपको एडमिशन होता है और अपने मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज और सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। 10वीं में एडमिशन लेने के बाद आपका कोर्स 3 साल का होता है, जबकि 12वीं में एडमिशन लेने के बाद आपका कोर्स सिर्फ 2 साल का होता है। साथ ही साथ 12वीं में आपका PCM का चुनाव होना ज़रूरी होता है। PCM का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसके बाद आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एंट्रेंस टेस्ट देकर पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है।
12वीं के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करने में आपको 2 साल का समय लग सकता है। इसके बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कर सकते हैं। तो अब जानते हैं पॉलिटेक्निक की बात क्या करें। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास दो और ऑप्शन होते हैं। पहला, आप नौकरी पा सकते हैं। आपको आईटीआई की तरह ही इसमें भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मिलते हैं। आप इस कोर्स की मदद से इंजीनियर के नीचे रहकर काम कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप आधे इंजीनियर बन सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद दूसरा ऑप्शन होता है इंजीनियर करने का। आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद सीधे इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप नौकरी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं आईटीआई और पॉलिटेक्निक में से कौन बेहतर है। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे। इन दोनों में से कौन सा कोर्स ज़्यादा बेहतर है, इस बात का चुनाव आपकी परिस्थिति और आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आपका पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं है और आप कोई कोर्स करके जल्दी से जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप आईटीआई का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन दोनों में से ही पॉलिटेक्निक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसे करने के बाद आपके भविष्य के ज़्यादा द्वार खुल जाएंगे। आप इस कोर्स से आईटीआई की तरह नौकरी तो पा ही सकते हैं, लेकिन आईटीआई करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है और समय भी लगता है। वहीं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आप सीधे इंजीनियरिंग के दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं। सो दैट आईटीआई से ज़्यादा बेहतर पॉलिटेक्निक है। अगर आप करना ही चाहते हैं और इस फील्ड में ही आना चाहते हैं तो आईटीआई को वरीयता कम दीजिए और पॉलिटेक्निक को ज़्यादा वरीयता दीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक में स्कोप ज़्यादा है, फ्यूचर ज़्यादा है। और अगर आप सिर्फ नौकरी ही पाना चाहते हैं, कुछ पैसों की जॉब करना चाहते हैं और अपना जीवन बसर गुजारा करना ही चाहते हैं तो आप आईटीआई कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई में आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगी। जॉब जल्दी से तो पॉलिटेक्निक